Hello dear student, welcome to you DLK Biology Smart class and I am DL Kumar. Now today we are discuss the topic alternate generation. देखिए different types के plants category होती है और यदि मैं बात करूँ plant kingdom में तो plant kingdom में 6 division है जिसमें fungi, algae, bryophyta, पेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये प्लांट किंगडम के 6 डिवीजन है और इनमें जो एल्गी एंड फंगी है, इन एल्गी और फंगी में इसी प्रकार ब्रायोफाइटा एंड पेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डिफरेंट टाइप्स के अल्टरनेट जनरेशन प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए यहां पर 3 टाइप के अल्टरनेट जनरेशन आप डायग्राम में देख रहे हैं और ये है हैप्लोन्टिक प्रकार का, या इसे अपने हैप्लोन्टिक या हैप्लोबायोटिक अल्टरनेट जनरेशन कहते हैं, और दूसरा जो आप देख रहे हो यहां पर ये हैप्लोन्टिक है और ये है डिप्लोन्टिक अल्टरनेट जनरेशन, और थर्ड है ये है हैप्लो एंड डिप्लोन्टिक अल्टरनेट जनरेशन। देखिए अपन फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें हैप्लोन्टिक अल्टरनेट जनरेशन, और इस हैप्लोन्टिक अल्टरनेट जनरेशन की यदि हम बात करें तो इसमें मेन जो स्टेज है वो हैप्लोन्टिक है, एन है, और यहां पर जो टाइम ड्यूरेशन है या अपन कहें कि इसका जो टाइमिंग है, ये इसमें हैप्लोन्टिक जो स्टेज है वो लॉन्ग टाइम की होती है और जो डिप्लोन्टिक स्टेज है वो शॉर्ट टाइम की होती है। ठीक है, अपन यहां देखें इस डायग्राम को देखें तो देखिए इसमें जो आपको ये ग्रीन कलर का ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये हैप्लोइडिक अवस्था है या हैप्लोइड अवस्था है, यहां इसको अपन एन से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो ये पिंक कलर की दिख रही है ये इसकी ट्वेन स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अपन देख रहे हैं कि इसमें जो हैप्लोन्टिक अल्टरनेट जनरेशन होता है, इस हैप्लोन्टिक अल्टरनेट जनरेशन में जो मेन स्टेज होती है वो हैप्लोइड होती है एंड लॉन्ग टाइम जो लॉन्ग ड्यूरेशन होता है वो लॉन्ग टाइम जो होता है वो हैप्लोइडिक अवस्था का होता है, और जो डिप्लोइड जो स्टेज है वो शॉर्ट टाइम की होती है। तो देख रहे हैं अपने यहां पर, ये देखो यहां से यहां लॉन्ग टाइम चल रहा है, ये लॉन्ग टाइम चल रहा है इसका पूरा, और ये शॉर्ट टाइम की होती है। और हम बात करें यहां पर कि जो मेन स्टेज यहां पर हैप्लोइड है तो जो डिप्लोइड स्टेज है वो हैप्लोइड स्टेज पर डिपेंडेड होती है, यानी डिप्लोइड स्टेज जो है वो हैप्लोइड पर डिपेंड होगी, उससे अपन क्या कहेंगे हैप्लोन्टिक अल्टरनेट जनरेशन कहेंगे। तो 3 थिंग्स यहां पर या 3 स्टेटमेंट अपने को लाल रखना है कि हैप्लोटिक जो अल्टरनेट जनरेशन है इसमें मेन स्टेज हैप्लोइड होती है एंड हैप्लोइड स्टेज लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है एंड डिप्लोइड शॉर्ट टाइम की होती है एंड डिप्लोइड स्टेज डिपेंडेड ऑन हैप्लोइडिक स्टेज। और इस तरीके का अल्टरनेट जनरेशन जो है वो फंजाई एंड एल्गी में प्रेजेंट होता है। देखिए यहां अपन बात करें कि ये गैमेटोफाइट है फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखें, और इस गैमेटोफाइट जो कि एन इसकी स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इससे गैमेटोजेनेसिस से गैमेट बने हैं, और ये गैमेट मेल एंड फीमेल गैमेट बने और उनका फ्यूजन होकर जाइकोट बना, यहां पर ये जाइकोट हो गया और जाइकोट में मियोसिस हुआ और मियोसिस से क्या बने स्पोर बने, और ये स्पोर एन है, और इनके जर्मिनेशन से इन स्पोर के जर्मिनेशन से वापस गैमेटो
वाइट बना। इस तरीके से यहां पर हैप्लोइड स्टेज लॉन्ग ड्यूरेशन की है। सेकंड जो अल्टरनेट जनरेशन है वो है डिप्लोन्टिक अल्टरनेट जनरेशन, और डिप्लोन्टिक अल्टरनेट जनरेशन जो है इसमें मेन स्टेज जो है, अगर अपन बात करें मेन स्टेज की, तो वो होती है 2N, इसके अगेंस्ट में, बिल्कुल अगेंस्ट में होगा। और लॉन्ग टाइम की यदि हम बात करें तो वो भी 2N होती है। देखिए अपन यहाँ पर ये रेड कलर की जो कि 2N स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, N को। तो रेड कलर का पूरा साइकिल अपने को रेड कलर का लॉन्ग दिख रहा है, और ये लॉन्ग ड्यूरेशन के हो गए। और यहां पर जो है हैप्लोइड जो स्टेज है वो डिप्लोइड स्टेज पर डिपेंडेंट होती है, जबकि हैप्लोइडिक प्रकार का अल्टरनेट जनरेशन में क्या था, डिप्लोइड स्टेज डिपेंडेंट ऑन हैप्लोइड स्टेज, बट यहां क्या हैप्लोइड डिपेंड ऑन डिप्लोइड स्टेज, तो इसके बिल्कुल अगेंस्ट में है। और इस तरीके का अल्टरनेट जो जनरेशन है जो हायर कैटेगरी के यानी जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में ये प्रेजेंट होता है। देखिए अपन देखें यहाँ पर स्पोरोफाइट जो मेन अपन बात देख रहे हैं, अपन जैसे मान लीजिए अपने घर के बाहर नीम का जो प्लांट लग रहा है तो वो क्या है, स्पोरोफाइट है जो कि 2N को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसमें गैमेटोजेनेसिस होंगे फ्लावर में, और उसमें गैमेट बनेंगे मेल एंड फीमेल गैमेट, और उन गैमेट्स का फॉर्मेशन मियोसिस से होगा, तो ये मियोसिस होगा और गैमेट बन गए। ये गैमेट ये N स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन गैमेट्स में वापस क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन होगा, बस वो गैमेटिक स्टेज में ही है केवल N, बाकी 2N है, और फ्यूजन या सिनगैमी होगी, और सिनगैमी होकर जाइकोट बनेगा, और जाइकोट से वापस एम्ब्रियो एंड सीड एंड सीड से वापस स्पोरोफाइट। तो केवल और केवल गैमेट फॉर्मेशन के ड्यूरेशन पर ही केवल कौन सी कंडीशन आई, केवल हैप्लोइड कंडीशन, उसी कंडीशन में, बाकी लॉन्ग टाइम किस में हो रहा है, डिप्लोइड कंडीशन में वो लाइफ को स्पैन कर रहा है। ठीक है, ये था डिप्लोन्टिक प्रकार का अल्टरनेट जनरेशन जो हैप्लोन्टिक प्रकार के अल्टरनेट जनरेशन के अगेंस्ट में है, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। इस तरीके का अल्टरनेट जनरेशन किसमें प्रेजेंट होता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट अपना है हैप्लोडिप्लोन्टिक अल्टरनेट जनरेशन। देखो यहां पर हैप्लोइड जो स्टेज है वो भी है और डिप्लोन्टिक जो स्टेज है वो भी, दोनों एक दूसरे के सिमिलर और फ्रीडम होगी। यहां पर कोई भी मेन नहीं, दोनों मेन स्टेज है और कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। हैप्लोइड भी एकदम फ्रीडम है एंड डिप्लोइड भी एकदम फ्रीडम है, कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। और प्लांट्स की दोनों स्टेज देखने को मिलेगी, हैप्लोइड कंडीशन भी देखने को मिलेगी और डिप्लोइडिक कंडीशन भी देखने को मिलेगी, दोनों कंडीशन। देखिए अपन यहां देखें तो ये इस प्लांट की जो लाइफ स्पैन है उसका ये 2N अल्टरनेट जनरेशन और ये N अल्टरनेट जनरेशन, दोनों देखो सेम टाइम के, सेम ड्यूरेशन के, सेम ड्यूरेशन है, कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, एंड दोनों स्टेज क्या है, फ्रीडम है। और ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा में इसी तरीके का अल्टरनेट जनरेशन पाया जाता है। देखिए अपन देखें ये है 2N स्टेज स्पोरोफाइट, और इस 2N में स्पोरोफाइट जो कि नीम में देख रहे हैं ऐसे ब्रायोफाइटा करेगा, इसमें मियोसिस होगा, ये मियोसिस हो गया, मियोसिस होकर स्पोर बन गए, और ये स्पोर जर्मिनेट होंगे और गैमेटोफाइट बनाएंगे, और ये गैमेटोफाइट क्या है भाई, N स्टेज में है N, और इन गैमेटोफाइट से गैमेटोजिनेसिस होगा, गैमेटोजिनेसिस से गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स का सिनगेमी हो गया या फ्यूजन होगा, और फ्यूजन होकर जाइकोट बनेगा, और जाइकोट से वापस स्पोरोफाइट बनेगा।
तो देखो गैमेटोफाइट भी फ्रीडम है और स्पोरोफाइट भी फ्रीडम है, और दोनों कंडीशन हम फ्रीडम रूप से देख सकते हैं। ये था हैप्लो डिप्लोंटिक अल्टरनेट जनरेशन जो ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा में प्रेजेंट होता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।